हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टर फोर के जो नंबर्स पेश किए हैं टोएम इंडस्ट्रीज़ ने, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और बहुत ही बढ़िया नंबर्स भी आए हैं या नहीं आए हैं, और इसके बारे में बताऊंगा मैं कैसे नंबर्स आए हैं, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना खर्चा हुआ कंपनी का, और कितने टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास में। ईयर टू ईयर बेसिस पे भी बात करेंगे और हम क्वार्टर टू क्वार्टर भी बात करेंगे। तो कैसे कुछ नंबर्स आए हैं इसके बारे में आज हम जो है डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि टोएम इंडस्ट्रीज जो है एक बहुत ही बढ़िया शेयर है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी दिए हैं अभी तक स्टॉक्स ने। और बात करूँ तो मार्केट आपको पता है कि डाउन चल रहा था काफ़ी टाइम से, और अभी जो एक पॉजिटिव मोमेंटम है धीरे धीरे करके मार्केट आता जा रहा है, तो स्टॉक के अंदर भी आपको जो है तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंडेंसी जो है वो आज के नंबर्स में आपको बताता हूँ, उसके बाद जो है कैसी परफॉर्मेंस रहती है स्टॉक की इसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। तो चलिए जो है 30 मई यानी कि कल के दिन जो है कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स पेश कर दिए हैं, और कैसे कुछ नंबर्स आए हैं तो देखिए मैं आपको बता दूँ। तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो लाख में हैं, और पहले जो तीन कॉलम जो रो बनी हुई है, पहले में क्वार्टर एंडेड जो है वो क्वार्टर फोर है, उसके बाद क्वार्टर थ्री है, और उसके बाद जो है क्वार्टर फोर लास्ट ईयर का है, और पीछे वाले जो दो रो बनी हुए हैं उनमें जो है आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूँ तो 1,07,00,000 इस क्वार्टर के अंदर है, और पिछले क्वार्टर में जो है 1,02,00,000 था। बट ईयर टू ईयर बात करूँ तो 91,00,000 से क्रॉस करके 2.43 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है ऑपरेशंस के जरिए। तो अगर टोटल इनकम जो हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर बात करूँ तो अब की बार जो है 1,07,00,000 और पिछले क्वार्टर में 1,02,00,000 की थी। और बट अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, 4,84,00,000 से जो घट के जो है 2,62,00,000 पे जो है कंपनी का रेवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। टोटल अगर एक्सपेंसेस की बात करें हम तो 23.91 लाख और 83.79 लाख, यानी कि खर्चा जो है क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर फोर के अंदर जो है बहुत ही कम खर्च जो है कंपनी ने किया, सिर्फ 24 लाख रुपए ही, और पिछले क्वार्टर में जो है लगभग 84 लाख का खर्चा यहाँ पे कंपनी को हुआ था। और अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे बात करूँ तो 452 लाख यानी कि 4.52 करोड़ से घट के 1.54 करोड़, यानी कि लगभग 3 करोड़ की गिरावट जो है हमें यहाँ पे खर्चे में देखने को मिल रही है। यानी कि पिछली बार जो कंपनी को एक साल में जो एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ था वो 4.5 करोड़ का था, और अब की बार जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ही खर्चा हमें देखने को मिल रहा है। और अगर खर्चा कम हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी का प्रॉफिट बड़ा होगा, और प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स तो यहाँ पे 83.98 लाख और 18.29 लाख, यानी कि पिछले क्वार्टर में 18 लाख था और अब की बार जो है 84 लाख का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर फोर के अंदर। और ईयर टू ईयर बेसिस पे भी देखें तो आप 32 लाख से बढ़ के जो है 107 यानी कि 1,07,00,000 का 1,07,00,000 तो नहीं है, 1,07,00,000 के आसपास का तो नहीं है, तो 107 लाख यानी कि 1 करोड़ से ऊपर का ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कहाँ 32 लाख और कहाँ 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है खर्चे अगर कंपनी कम करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ऑफ 5-6 की अगर मैं बात करूं तो 18.24 था पिछले क्वार्टर में, और अब की बार 83.9 लाख का यहां पे, और 36 लाख के आसपास से बढ़ के जो है 1 करोड़ से ऊपर यहां पे हमें टोटल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट जो है। और टोटल अगर अदर इक्विटी की बात करें तो वो भी जो है कुछ ज़्यादा ठीक ठाक ही है, मतलब उसमें भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ने जो वो सेम टू सेम ही नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम, देखिए एसेट्स कितने कंपनी के पास, तो सारी की सारी वैल्यूज लाख में हैं, और जो है अब की बार जो ये डाटा है वो एज एट मार्च क्वार्टर फोर का है, और ये एज एट मार्च 31 यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स की बात करूँ तो 429 यानी कि 4,29,00,000 के थे, और अब की बार जो है 4,23,00,000 के हैं। और टोटल एसेट्स अगर बताऊँ तो ए और बी अगर दोनों को मिला के बताएँ तो 1,418 यानी कि लगभग 14 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के पास पिछले साल में, और अब की बार जो है 28 करोड़ के एसेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं टोएम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो एक नंबर्स जो हैं आप एसेट्स के जरिए देखिए बहुत ही बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पेश किए, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ कंपनी को। और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो 1,418 यानी कि
14 करोड़ की जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ थी पिछले साल के क्वार्टर में, और अब की बार जो है 28 करोड़ 97 लाख की टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हमें यहाँ पे टॉयम इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो एक बड़ी तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर बात करूँ तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें तो 44 लाख यानी कि और 69 लाख का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एक मतलब चेंजेस तो हैं स्टॉक के अंदर, बढ़िया नंबर्स भी बढ़िया पेश किए कंपनी ने, और नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। हमें 383 यानी कि 3 करोड़ 83 लाख और 13 करोड़ के आसपास का नेट क्लोज कैश फ्लो जो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर बात करूँ तो मैं देखिए क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश ऑफ द इक्विवेलेंस तो 10.77 से 7.77 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लाख में है सारी की सारी वैल्यू। तो बात करूँ तो देखिए ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने दिखाए हैं हमें, और लाइबिलिटीज़ भी जो हैं बहुत ही बढ़िया दिखाई हैं, और एसेट्स भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, खर्चा घटते हुए देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर देखिए रेवेन्यू कम हुआ है, भले ही सेल्स बढ़ी है कंपनी की, क्योंकि प्रॉफिट जो कंपनी ने कम किया है और खर्चा भी जो है प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और खर्चा जो है कंपनी ने कम किया, तो टोयम इंडस्ट्रीज जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं स्टॉक को, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और नंबर्स जो है क्वार्टर फोर के और ईयर टू ईयर बेसिस भी जो है बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे हमें टोयम इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप करके चल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं टोयम इंडस्ट्रीज़ को। नंबर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया शानदार पेश किए हैं टोयम इंडस्ट्रीज़ ने अब की बार। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।